हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजिट इंडिया माय वे। आज मैं आपको लेके आया हूँ भोपाल शहर के एक जैन मंदिर में, जो यहाँ का काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट में है, जिसका नाम है मनवा भान टेकरी की जैन मंदिर। ये यहाँ की काफ़ी प्राचीन मान्यता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैन मंदिर काफ़ी सुंदर लोकेशन में बना हुआ है। चलिए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और बताता हूँ यहाँ कैसे कैसे लोकेशन यहाँ से दिखाई देता है और इसकी मान्यता के बारे में। तो दोस्तों, मनवा भान टेकरी जाने के लिए आपको पहले इस रास्ते से आना होगा। ये इसका एंट्री गेट है। इससे जस्ट ये 50 से 60 मीटर में ही आपको रोप वे का रास्ता मिल जाएगा। रोप वे के चार्जेस आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका चार्ज 1 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों के लिए 90 रुपये आने जाने का किराया, और 4 से 6 वर्ष के लोगों के लिए 60 रुपये का किराया है, जो आने जाने का है। और खाने की चीज़ें अलाउ नहीं है बिल्कुल भी बाहर से ले जाना। तो ये रास्ता अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो आगे का रास्ता ये है, इस सामने से निकल रहा है। तो चलिए, हम तो अपनी बाइक से आए हैं, हम बाइक से निकलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी चढ़ाई के रास्ते से गाड़ी चलानी पड़ सकती है। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाने में थोड़ा अनट्रेंड है तो इस रास्ते में रोप वे से ही आइए, क्योंकि गाड़ी थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई में चढ़ानी पड़ रही है। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। ऐसी चढ़ाई का व्यू के दर्शन यहाँ से होते हैं। देखिए, ये भी एक दरवाज़ा है, यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं, पर अभी थोड़ा बंद है। हम आपको दूसरे रास्ते ले आते हैं, जो बगल का रास्ता है। चलिए, इधर की तरफ चलते हैं। तो ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है। ये सबसे पहले आपको पड़ता है धर्मशाला। यहाँ पे अगर आप काफ़ी दूर से आए हैं तो आपको धर्मशाला में रेंट में रूम भी मिल जाते हैं। यहाँ के चार्जेस मैंने पता किए, जैसे कि एसी रूम के चार्जेस 800 रुपये पर डे, और 600 रुपये से आपको नॉन एसी रूम भी मिल जाएंगे, और बाकी आप डोरमेट्री वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये मेन एंट्री गेट है। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आपको ऊपर जाना होगा। जूते वगैरह यहीं पर उतारने होते हैं। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं मेन मंदिर की तरफ। ये देखिए कितनी सुंदर लोकेशन में बना हुआ है मंदिर। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी दूर दूर से, और यहाँ पर रहने की इसलिए व्यवस्था भी बना रखी है। अद्भुत कलाकृति, लाल पत्थर को काट के बनाया हुआ है ये मंदिर। मैं आपको इसका चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अंदर जैसे कि फोटोग्राफी और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया, पर अंदर दिगंबर जैन जी की 3 मूर्तियां हैं, और अंदर बहुत अच्छी कलाकृतियां की गई है पत्थरों को काट के, और बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों अंदर का। और ये इसकी मंदिर की मान्यता यह है कि 150 साल पहले लगभग यहाँ पर एक खुदाई हुई थी, महारानी ने खुदाई करवाई थी। उस खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली थी, जिसको फिर उसके बाद विराजमान किया गया, और लगभग 2000 या 2001 के टाइम पे उसके बाद ये बड़ा सा मंदिर बनाया गया। उससे पहले ये छोटा सा मंदिर था, और अब इसकी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। अगर आप भोपाल शहर में आए हैं तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिएगा, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन में है। चलिए, मैं आपको और इसको एक्सप्लोर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इनके मंदिर के अलावा एक जो प्राचीन रियल वाला मंदिर था वो यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर वो मूर्ति मिली थी, जिसमें अभी भी आप कुछ दान दक्षिणा करके वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर सिंदूर चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो यह है वो छोटा सा मंदिर जो रियल का मंदिर था, महावीर स्वामी, श्री आदिनाथ और श्री शांतिनाथ जी का। देखिए, पत्थरों के नीचे है, चट्टान के नीचे। तो ये मंदिर के अंदर का रास्ता, अंदर वैसे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक और रास्ता जा रहा है, दादा गुरुदेव जी के चरण लिखा है यहाँ पे। ये देखिए कितने सुंदर, पहाड़ी के जस्ट नीचे है ये। बहुत प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, क्या पता मेरे माइक में भी डिस्टर्ब हो रहा हो, पर मैं आपको यहाँ से सिटी का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ भोपाल सिटी का एक पनोरामिक व्यू आता है, बहुत सुंदर। देखिए, पूरा भोपाल सिटी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से, अच्छी लोकेशन लेके आता है। देखिए, आप देख सकते हैं, इस समय मैं हूँ महानुभाव टेकरी में, और यहाँ से ये व्यू आता है बहुत सुंदर। पीछे ये पहाड़ है, देखिए ठीक पहाड़ के नीचे हूँ मैं इस समय, और बहुत अच्छा भोपाल के व्यू दिखाई देता है, बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ पर चरण पादुका रखी हुई है, और देखिए दोस्तों कितना प्यारा सिटी का व्यू है, पूरा सिटी का व्यू दिखाई दे रहा है। उधर आपको लेक दिखाई दे रही है, ढंग से शायद नहीं दिख रही हो, और देखिए सिटी, देखिए ये है भोपाल सिटी।
तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आपको भूख लग जाए तो यहाँ पे एक कैफ़े भी आपको मिलेगा, एक कैफ़े बना रखा है काफ़ी अच्छी लोकेशन में, एक बड़ा सा कैफ़े है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से एक अच्छा सा नज़ारा भी दिखाई देता है, बहुत अच्छे व्यू पॉइंट के साथ ये आपको कैफ़े दिखाई देगा। आपको अगर भूख लग जाए तो आप इस कैफ़े में भी जा सकते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम और बेकर्स का सामान वगैरह मिल जाएगा। अभी आप मेरे पीछे जो कैफेटेरिया देख पा रहे हैं उसके अलावा यहाँ पे बैठने के लिए जगह है काफ़ी, आप अच्छी लोकेशन बन जाती है। अभी सुबह का टाइम है, शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ पे कैफेटेरिया का भी इंजॉय करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा व्यू है, इस व्यू के साथ आपको खाने पीने का इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी भीड़ आती है इसलिए बैठने बूढ़ने के लिए भी काफ़ी जगह है, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो पहाड़ी को काट के जगह बना रखी है, अच्छी जगह है, बहुत सुंदर, अगर आप आना चाहें तो यहाँ आप ज़रूर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों कैफेटेरिया से ये नीचे पूरा यहाँ पे आप कहीं भी बैठ सकते हैं, बहुत सी जगह बना रखी है बैठने के लिए। देखिए जो आपको रेड रेड से पिलर वगैरह दिखाई दे रहे होंगे आप इनमें बैठ सकते हैं आराम से, और अपना जो भी आप स्नैक्स लेने आए हैं आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। इवन देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है भोपाल का, शाम के टाइम पे जो लाइट जलती है तो यहाँ पे आके आप स्नैक्स वगैरह लेते हुए आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर बनाने की कोशिश कर रखी है ये, इसका नाम दिया हुआ है टेस्ट ऑफ गुजरात, और काफ़ी चीज़ें हैं, बर्गर, सैंडविच, स्वीट कॉर्न, चाय, आइसक्रीम वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। और रोप वे का रास्ता यहीं पे जस्ट आके ख़त्म होता है, आप यहीं पे रोप वे से अगर आएंगे तो यहाँ पे आपका रास्ता ख़त्म होगा और यहाँ से आपको जैन मंदिर जाना होगा। तो चलिए मैं आपको दूसरे साइड का व्यू दिखाता हूँ, तो ये फूड वाला एरिया और ये जैन मंदिर, और ये देखिए व्यू भोपाल का पूरा व्यू वहाँ से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए लोग यहाँ पे खासकर व्यू के लिए ही आते हैं, यहाँ सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक का आपको स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं आप लोग। ये टेस्ट ऑफ गुजरात शाम को 8 बजे तक खुलता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस व्यू पॉइंट में बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए ऑलमोस्ट पूरे भोपाल का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे भी आ रखे हैं, आई थिंक स्कूल बंक करके आए होंगे, और देखिए कितना सुंदर व्यू है, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, अब पूरा भोपाल दिखाई दे रहा है लगभग 3 तरफ आपके, और चौथी तरफ आपका जैन मंदिर है। देखिए ये आपके ऊपर मेरे ऊपर जो जा रही है ये रोप वे का रास्ता है, देखिए कितना सुंदर लोकेशन है। तो दोस्तों आपको मालूम हुआ है टेकरी का जैन मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले लोकेशन के साथ, तब तक हमें दे इजाज़त। जय हिंद।